मां भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। प्रकृति में रोग भी है तो दवा भी है, रोग का भोग ही दवा है, और यह दवा किसी फूल में किसी वनस्पति में प्राप्त हो जाती है, और इसी की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं। हो सकता है आपके गमले का कोई फूल आपके बहुत काम आ जाए। दिमाग का रोग हो तो क्या करें? क्या कपास हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है? क्या गुलाब का फूल हमें बदल सकता है? क्या अर्जुन का पुष्प और अर्जुन की छाल हमारे हृदय को ठीक कर सकती है? हमें रतौंधी का रोग है, क्या वह ठीक हो सकता है? क्या बांझपन ठीक हो सकता है? पुष्प और वनस्पतियों के रहस्य को आज हम खोलेंगे गुरु पर्व में। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। आपको कोई पूछता नहीं, आपके घर में है दिक्कत, घर की महिलाएं रहती हैं परेशान, तरक्की होने रही, बहुत सारे रोग, सर, आंख, गला, नाक, पेट, पैर, ना जाने कितने प्रकार के रोग आपको लगातार परेशान किए जा रहे हैं। तो फूलों को अपनाइए, वनस्पतियों को अपनाइए, प्रभु का सुंदरतम वरदान है ये। तो फूल और वनस्पति जहां मन को प्रसन्न करते हैं, वहीं ये तन की देखभाल भी करते हैं, तन की सुंदरता भी बनाते हैं। भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी वृक्षों में कोई ना कोई औषधीय गुण पाया जाता है, जिन्हें हम जहर कहते हैं उनमें भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। वनस्पति, पुष्प, जड़ी बूटी, इसके रहस्य को जब विश्व जानता है, सीखता है भारत से, तो आश्चर्यचकित रह जाता है। हमारे यहाँ की औषधियों से मानव का कायाकल्प हो सकता है। आज हम कुछ ऐसी ही वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंपा के फूल के बारे से, फिर इससे बनने वाली औषधियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वही चंपा का फूल है जो इधर उधर सफेद सफेद रंग का खिला हुआ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कितनी गजब की औषधि है ये। चंपा के खूबसूरत मंद सुगंधित हल्के सफेद पीले फूल अक्सर पूजा में उपयोग किए जाते हैं। चंपा का वृक्ष मंदिर परिसर और आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपा को कामदेव के पांच फूलों में से एक गिना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अमर फूल कहा है। चंपा का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसी कारण दक्षिणी एशिया के बौद्ध मंदिरों में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। चंपा के फूलों में परागकण नहीं होते, इसीलिए इनके पुष्प पर मधुमक्खियां नहीं बैठती। भारतीय चंपा के पांच प्रमुख प्रकार होते हैं। सोन चंपा, इसके फूल पीले रंग के होते हैं और इसका बना तेल शरीर की गर्मी दूर करता है। ये चंदन के तेल से ज्यादा असरदार और ठंडा होता है। सिर, आंख, नाक, कान की बीमारी, सुजाक गुर्दे की बीमारी, गठिया, चक्कर आना, सिर दर्द, चंपा का तेल इन सब में बहुत उपयोगी होता है। दूसरा प्रकार है नाग चंपा। इसके फूल पीले या गुलाबी रंग के होते हैं। नाग चंपा को विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ये फूल अति सुंदर मादक खुशबू से भरे होते हैं। फूल की पंखुड़ियां सांप के फन के समान होती हैं, इसीलिए इसे नाग चंपा कहते हैं। तीसरा प्रकार कनक चंपा है। कनक चंपा के वृक्ष को खुशबू के साथ साथ खाने की थाली के पेड़ के रूप में जाना जाता है। इसके पत्ते 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं तथा दुगनी चौड़ाई के होते हैं। फूल कलियों के अंदर बंद होते हैं। कलियां पांच खंडों में बटी होती है। छिले केले की तरह यह दिखाई देती है। प्रत्येक फूल केवल एक रात तक रहता है। कनक चंपा के पत्ते और छाल चेचक और खुजली की दवा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। चौथा प्रकार है सुल्तानी चंपा और पांचवा है कटहरी चंपा। अभी बात पूरी नहीं हुई,
किस तरह गंभीर रोगों में, त्वचा के गंभीर रोगों में चंपा आपकी मदद करेगा अभी बताता हूं। लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बताऊं। मेष, गुरुजी मेरी तीन परेशानियां बहुत परेशान करती हैं। हाँ बताइए बताइए। एक तो ना मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। अच्छा। कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा, मेरे हस्बैंड की नौकरी स्टेप लेनी है। तीसरा, हमारे मकान का लेके इतना झगड़ा है कि भाइयों में मकान बनाने की ही दिक्कत आ रही है। समझ नहीं आ रहा कहाँ बनाए, फ्लोर वाइज बनाना है, ग्राउंड फ्लोर बना रहा है, यही लेके इतना झगड़ा है। बस मुझे अपना उम्र बता दो, आप एज कितनी है? गुरुजी मेरे को अपनी ना डेट में कंफ्यूजन है, 22 नवंबर है या 23 नवंबर। ईयर मैं अपने बेटे की बता दूं, मैं अपने बेटे की बता दूं। नहीं नहीं, बस ईयर बता दो आप अपना बर्थ का। 76। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अच्छा, पिताजी की डेथ को लगभग 3-4 साल हुए? 24 साल हो गए गुरुजी। एक जुलाई। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब करते हैं पुष्पों और वनस्पतियों की बात। दिल के रोग की बात करते हैं। हर प्रकार के दिल का रोग आजकल बहुत बढ़ रहा है, लेकिन दिल के दौरे की बात करते हैं। जिसको भी दिल का दौरा पड़ा है, या फिर जो चिकनाई वाले भोजन ज्यादा करते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें दिल के दौरे का खतरा बहुत बढ़ चुका है। लेकिन जो वनस्पति मैं आपको बता रहा हूं बहुत लाभ देती है, और इसका नाम है अर्जुन। इसे अर्जुन कहते हैं, इसका पेड़ होता है। अर्जुन के पेड़ का नाम अर्जुन क्यों पड़ा? धनुर्धर अर्जुन की वजह से। अर्जुन का एक खास मतलब होता है, अभी बताता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, कार्यों के लिए दिन अच्छा है। कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, पुराने रिश्ते नए हो सकते हैं, कुछ नए रिश्ते भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है। रुके हुए या अभी तक समझ में जो नहीं आ रहे थे कॉन्सेप्ट्स, वो क्लियर हो सकते हैं। बड़े भाई या मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। एक सावधानी, धार्मिक कार्यों में बाधा ना डालें। अब आप पूछेंगे धार्मिक कार्यों में ऐसे कौन बाधा डालता है? जैसे घर में पूजा होनी, आप शोर मचा रहे हैं, जो पूजा करने वाले हैं उनसे कह रहे हैं खाना दो, कपड़े दो आदि, ये बाधा हो रही है ना। या आपकी वजह से पूजा करते हुए व्यक्ति को उठना पड़ा, बाधा हो रही है ना। या आपने कहा चलो चलो शाम को कर लेंगे, अभी अभी छोड़ो अभी छोड़ो, ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है, इसे पाप लगता है। उपाय क्या करना है? यदि आपको विष्णु कांता मिल जाए या लक्ष्मी कांता मिल जाए, तो इनके पौधे बेल रूपी जो होते हैं उन्हें सींचे प्रणाम करें, और अगर ये नहीं मिलते हैं तो ओम नारायण नमो नमः का 108 बार जप करें, उसके बाद अपना कार्य शुरू करें, सब ठीक होगा। वृश्चिक का 108 बार जप करें, उसके बाद अपना कार्य शुरू करें, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, लाभ दे रहा है ये दिन आपको, सुकून दे रहा है ये दिन आपको, उन्नति के प्रति आशाएं जागृत हो रही हैं। इस दिन और आज आप ज्यादा आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप सामर्थ्य के साथ कार्य करेंगे, और इसकी वजह से अधिकारियों का सहयोग भी होगा। अच्छा दिन है, प्रमोशन की बात कर लेना। सावधानी, आज उतावलेपन से दूर रहें, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि कभी कभी जब हमारे पास ऊर्जा ज्यादा होती है तो उतावलापन आ जाता है, जिसकी वजह से वह ऊर्जा हमें नुकसान दे जाती है। अति हर चीज की बुरी होती है ना। उपाय, चांदी के ग्लास में जल पीजिए अभी, और वो भी घूंट घूंट करके और शांति से बैठकर। ग्लास पूरा होने में लगभग 40-50 सेकंड लगे, और उसके बाद काम पर जुटिए, प्रभु का नाम लेकर सब ठीक होगा।
धनु राशि, मन दुविधाओं के बीच फंसा रहेगा जिससे कार्य प्रभावित होंगे। क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, उस चक्कर में रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई डिसीजन लेने में आज आपको बहुत कष्ट दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा, यह दिन आगे बढ़ने के लिए है तो अच्छा, लेकिन आपका आलस्य आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए अपने आलस्य से सावधान रहें। उपाय क्या करना है, आज अपने गुरु, अपने शिक्षकों, अपने आचार्य जो भी हो, आप उन्होंने क्या पढ़ाया लिखाया है आपको, उनके क्या प्रवचन रहे हैं, उसका भी बैठिए एक दो मिनट तसल्ली से उसका चिंतन मनन कीजिए, फिर अपने इष्ट को प्रणाम करके काम पर जुट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन का अर्थ है चमकदार चीज, यह आपके जीवन में भी चमक ला सकता है। अर्जुन के पेड़ का एक भाग बहुत उपयोगी होता है, खास विधि से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये बहुत श्रेयकर होता है। भारत में पेड़ों के नाम पौराणिक नायकों या देवताओं के नाम पर रखने की पुरानी परंपरा है। अर्जुन के पेड़ का नाम महाभारत के नायक और महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर पड़ा। अर्जुन शब्द का संस्कृत में अर्थ चमकदार, चांदी के रंग जैसा होता है। इस पेड़ के कई औषधीय गुण हैं, जिसकी समानता अर्जुन के गुणों से रही है। सबसे पहली तो इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कृषि उपकरणों और धनुष आदि बनाने में आदिकाल से होता रहा है, जबकि इसकी पत्ती के रस का उपयोग कान दर्द में प्राचीन काल से ही किया जाता है, और साथ ही ये दिल की कई बीमारियों के लिए बेहद रामबाण साबित होता है। अर्जुन की छाल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ये हृदय की मांसपेशियों के कामकाज में सुधार करता है, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल को रोकने में गुणकारी साबित होता है। इस पेड़ की पत्तियां और फूल कई धार्मिक अवसरों पर भगवान विष्णु और भगवान गणपति को चढ़ाई जाती हैं। ये प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने में इस्तेमाल होता है। इससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। फटाफट नोट कीजिए, हृदय में शिथिलता आने पर अर्जुन की छाल या गुड़ को, छाल के साथ थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, दूध में खूब उबाल कर पीना शुरू करिए। क्या होगा, शिथिलता मतलब समझ रहे, जब हृदय प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से घबराहट, आलस, सुस्ती, लो ब्लड बीपी वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो डॉक्टर साहब बता ही देंगे, तब ये अद्भुत लाभ करेगा। 15-16 दिन में इसका नतीजा देखना। एक और चीज, हृदय घात में अर्जुन की छाल का चूर्ण मिला हुआ दूध लेना शुरू करिए, आपका हृदय मजबूत होता चला जाएगा, और विद्वान तो यहां तक कहते हैं दोबारा हृदयघात नहीं होगा, दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा। हड्डी टूटने पर भी यह बहुत काम करता है, इसकी छाल स्वरस दूध के साथ देते हैं, इससे दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है, हड्डियां बहुत जल्द जुड़ती हैं। जिस भी व्यक्ति का विटामिन डी कम होगा या कैल्शियम कम होगा, उसकी हड्डी देर से जुड़ेगी, डिफेक्ट के साथ जुड़ेगी, तो इसका प्रयोग कीजिए अर्जुन छाल के पाउडर का, और देखिएगा हड्डियों में बहुत असर पड़ेगा। गर्मियां हैं, पेट की बहुत सारी विकृतियां सामने आकर और बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, हम भी कम नहीं, हम लोगों को भगवान ने कितनी सारी वनस्पति दी है, तो इस रोग को भी हम हरा देंगे। कैसे, बेल से, जिनको आंतों की समस्या रहती है, पेट फूल जाता है, खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, तो पेट की इन बीमारियों का एक बहुत अचूक इलाज है बेल, नहीं तो शरीर के बाकी अंगों में भी बीमारियां बढ़ जाएंगी। और बेल तो वैसे भी गर्मियों में आपको लू इत्यादि से बचा लेता है, साथ ही ये पेट की कई बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है, इसे आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। बेल चाहे कच्चा हो या पका हो, दोनों ही रूप में बेल का फल बहुत लाभप्रद होता है, और इसमें विद्यमान होता है गोंद, जो आप उसे देखेंगे ना बेल को, तो सफेद सफेद उसके जो बीज होते हैं वो, और जो उसके गूदे में गोंद जैसी चीज होती है, वो पेट की भीतरी दीवारों को चिकना कर देता है, जिससे आते, जिनकी आते रुख यानी रूखी रहती है, जिसकी वजह से कब्ज हो जाता है, वह लूज होने लगती है और कब्ज खुलने लगता है, कहीं कहीं तो गांठों के रूप में बाहर आ जाता है।
इसी प्रकार जिनकी आंतें बहुत ढीली ढीली होने की वजह से, जिनको लूज मोशन पतले दस्त रहते हैं, मरोड़ होती है, पेट गुड़गुड़ करता रहता है, उनको भी बेल का फल खाना चाहिए या उसका रस पीना चाहिए। आंतों के रोगियों को एक बेल रोजाना ले लेना चाहिए। बहुत सारे नव दंपतियों को 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उनके शरीरों में कोई कमी होने की वजह से संतान नहीं हो रही। जरा इसका प्रयोग करके देखिएगा एक बार, आगे आपकी किस्मत प्रभु की मेहर। 250 ग्राम पीपल के पेड़ की सूखी पिसी हुई जड़ों में 250 ग्राम बूरा मिलाकर रख लें। जिस दिन से पत्नी का मासिक धर्म आरंभ हो, उस दिन से इसे पति व पत्नी दोनों 4-4 चम्मच गर्म दूध के साथ 11 दिन तक लें। जिस दिन ये मिश्रण समाप्त हो, उसके बाद संतान उत्पत्ति की कोशिश करें। ऐसा करने से बांझपन की स्थिति में भी गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। पीपल के सूखे फलों की 1-2 ग्राम चूर्ण की फंकी कच्चे दूध के साथ मासिक धर्म के शुद्ध होने के बाद 14 दिनों तक देने से बांझपन मिट जाता है। पीपल वृक्ष की जटा का चूर्ण 5 ग्राम मासिक श्राव के 4th, 5th, 6th और 7th दिन सुबह स्नान करके बछड़े वाले गाय के दूध के साथ सेवन किया जाए तो बांझपन मिटकर गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीपल, सौंठ, काली मिर्च, नाग केसर को लगभग 5-5 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पीस कर बारीक चूर्ण तैयार कर लें। ये चूर्ण 7 ग्राम लेकर 250 ग्राम गाय के हल्के मीठे दूध में 1 चम्मच देशी घी मिलाकर मासिक धर्म शुरू होने के 1 दिन से लेकर 3 दिनों तक नियमित सेवन कराएं। इससे गर्भ ठहरता है। एक बात बताऊं, एक ऐसी औषधि जो घर घर में जानी पहचानी जाती है, आप उस औषधि की तरह नहीं, स्वाद बढ़ाने वाली चीज की तरह खाते हैं, लेकिन वह कैंसर का इलाज है, अद्भुत इलाज है। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के बाद मैं उसका जब रहस्य उद्घाटन करूंगा तो आप पता क्या करेंगे? हैं? मकर राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझने बढ़ सकती हैं, उनसे आपकी अपेक्षाएं पूरी ना होने की वजह से आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन थोड़ा सा कमजोर है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन अगर आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो जरा गोपनीय रखें, जब हो जाए तो बता दें, पहले से ढोल ना पीटे, नहीं तो आपके शत्रु हावी हैं, वह आपके ढोल को फाड़ने की कोशिश करेंगे। उपाय क्या करना है, एक नारियल ले लीजिए जटा वाला जिसमें पानी होता है, ये मंदिर में भेंट कीजिए, अपने प्रभु को याद करिए और अपने काम पर जुट जाइए। और ये मंदिर तो घर का भी हो सकता है। कुंभ राशि, आज आप बड़े ऊर्जावान हैं, आप बड़ी सरलता से और सहजता से कार्य करते चले जाएंगे, आज आपका व्यवहार भी कुछ अच्छा रहेगा, मूड बढ़िया है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा, दिन अच्छा गुजरेगा, खुशी खुशी गुजरेगा और भविष्य के लिए कोई आशा जगेगी। सावधानी, निंदा मत कीजिएगा इस दिन, कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं, किसी की बुराई मत कीजिएगा इस दिन, अन्यथा परेशानी। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर करने के लिए स्थान की सफाई कीजिए, चाहे वो आपके कार्य करने का हो या सोने का हो या बैठने का हो, तो उसकी सफाई आप स्वयं करिए, जुटिए उसके बाद काम पर, सब ठीक। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनों के सहयोग से मन संतुष्ट होगा और कारोबारी योजनाएं बनेंगी, आपके द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में रहेंगे, बहुत से लोग आपसे खुश रहेंगे। अच्छा दिन है, सावधानी लेकिन एक रखनी है, गंदगी मत फैलाइएगा। अब आप कहेंगे गंदगी फैलाने से और भविष्य का क्या मतलब है, हमारे हर व्यवहार से हमारे भविष्य का मतलब है। गंदगी जो लोग बहुत फैलाते हैं, जानबूझकर फैलाते हैं, राहु शनि उनका बहुत बुरा परिणाम देता है, बहुत प्रभावित करता, खुद सर्वे करके देख लेना, इसलिए ये मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार अभी जप कीजिए, और रुद्राक्ष माला हो तो उससे कीजिए, क्या कहने, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे।
हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो चलिए जिनका जन्म हुआ है उनको कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ विशेष करने का वक्त है ये। कोशिश ये कीजिएगा कोई भी नया कार्य है 1 नवंबर तक करना शुरू कर दें, उसके बाद उसको नहीं करना है, यानी नया कार्य। वैसे समय अच्छा अप्रैल तक, लेकिन आपको नया कार्य नहीं करना है, याद रखिएगा इस बात को। बाकी कुल मिला के अच्छा वक्त है, चिंता ना कर। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल हर शनिवार को आप गरीबों को बांटते चले जाइए, अपने काम में मन लगाइए और डाउन टू अर्थ बिल्कुल जमीनी काम करिए, जैसे सफाई है, पैकिंग है आदि आदि। नौकरी में भी अपनी फायदा अपने आप उठाइए और देखिए तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। अतुल जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मतलब 1 साल से हम बीमार चल रहे हैं। 1 साल से आप बीमार चल रहे हैं? बीमार चल रहे हैं। और तो हर काम में बाधाएं आ रही हैं। हाँ, जो आपकी बीमारी है ये हार्ट लंग्स और स्टमक से रिलेटेड है? नहीं, स्टमक से रिलेटेड है और नेक से रिलेटेड है। और स्टमक और नेक? नेक। हाँ, नेक में क्या हो गया? नेक में नेक में हमेशा पेट बना रहता है। अच्छा, और सांस की समस्या नहीं है आपको? सांस नहीं फूलती आपकी? जी सांस नहीं फूलती आपकी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप गुटखा या सिगरेट का इस्तेमाल करते थे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, किसी प्रदूषण वाली जगह में रहते थे जहाँ पर धुआं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। घर में किसी को सांस का रोग तो नहीं रहा है? नहीं नानी दादा? नहीं गुरु जी। अच्छा, है बता दीजिए मुझे। आपको सांस की प्रॉब्लम होती भी दिख रही है स्टमक के साथ साथ, इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए। डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई। 21 जुलाई। 18 जुलाई। हाँ, 1989। अच्छा, और बर्थ प्लेस लखनऊ। अच्छा, और समय 5:14 सुबह। समय आपको सही याद है ये? हाँ, ये 5:14 एकदम समय सही समय। अच्छा, गुरु जी कुछ उपाय बता दीजिए जिससे मेरा मतलब सारे। इस जगह आपका जन्म हुआ था जी, उस जगह लक्ष्मी विष्णु जी का या राधा कृष्ण का या सिया राम का मंदिर था एकदम पास में? लक्ष्मी, चलो मंदिर था एकदम आसपास में जहाँ शिव जी का मंदिर है। शिव जी का एकदम पास में? हाँ, हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। घर के पास में तो मंदिर है। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। घर के पास है। पहली चीज, आप पुराना गुड़ खाया कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ श्वास की प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और ये गलत नहीं होगा, और इसकी वजह से आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपका मन कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाता होगा या अचानक बहुत तेज गुस्सा आता होगा, चीजें भूल जाते होंगे आप। तो जरा आप अपनी श्वास पर ध्यान दें, किसी योग्य योग शिक्षक के साथ बैठ के श्वास प्रश्वास ध्यान दें, किसी योग्य योग शिक्षक के साथ बैठ के श्वास प्रश्वास क्रियाएं करना शुरू कीजिए। यदि सूर्य भेदी कर सके उसको सीख के करना होता है, ऐसे नहीं कर सकते आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। करीबन 1 वर्ष का अभ्यास कीजिए। दूसरी चीज ये है, खट्टा मिर्चों वाला भोजन, बासी भोजन, मैदा का भोजन, सोडा वाला भोजन, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे इमीडिएटली। और मीठा दही, बिना चीनी डाले मीठा जो होता है ना, ताजा वाला, उस दही का सेवन लस्सी बना के दिन में 2 बार कर लिया कीजिए। थोड़ा थोड़ा दही खट्टा ना हो, उसकी तासीर बदल जाएगी, वो नुकसान करेगा। इसके साथ साथ आप एक तांबे का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में मंगलवार को पहन लीजिएगा और रोजाना 3 कुत्तों को भोजन दीजिए। बस ये उपाय करना शुरू कीजिए और देखिए साल भर के अंदर बहुत परिवर्तन हो जाए। साल भर क्या, मैं 7-8 महीने ही कह रहा हूँ, परिवर्तन हो जाएगा अगर ये उपाय किए तो।
माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा, सब ठीक होंगे। और मैं बार बार इस बात को आपसे कह रहा हूँ, ये उपाय किए तो मुझे लग नहीं रहा कि आप कंटिन्यूसली ये उपाय करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बस कर लिया तो कल्याण 6-7 महीने के अंदर ही आप देखेंगे चीजें बहुत सुधरने लग जाएंगी। और अब गुरु मंत्र, मुझे आपको ये बताना है कि आप गुड़ल का फूल यदि देवी को चढ़ाते हैं, कभी जब मुश्किल में हो तो गुलाब की 2 पत्ती यदि जेब में रखकर जाते हैं, पीपल का वृक्ष किसी ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां उसकी केयर हो सके, तो आप अपनी किस्मत को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वनस्पतियां इसीलिए मनुष्य की कायाकल्प करने का साधन कही जाती है। परंतु बच्चों, आपको पता है वनस्पति कटती चली जा रही है। हम लोग वनस्पतियों को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, संवेदनहीन है, हम उन्हें प्यार नहीं करते। बस घर सजाने के लिए कहीं कहीं लगा लेते हैं, कोई प्यार नहीं होता। और यही कारण है बच्चों, बहुत सारी नदियां सूख रही हैं। अभी मैं कुंभ गया था, मैंने आपको दिखाया भी था कुंभ का पूरा कार्यक्रम। कुंभ में गया था, शिप्रा पेड़ न होने की वजह से सूखने की कगार पर है। भारत को लगभग 200 करोड़ पेड़ चाहिए नदियों के पास। ऐसा नहीं कि हमने घर के सामने लगा दिया, बहुत सोची समझी नीति के तहत हमें ये पेड़ लगाने हैं। तो बच्चों, करोगे ये उपाय? जब जब जिस जिस क्षेत्र में बारिश आए, पहली बारिश में रेन डांस भी करना, और हर बच्चा पीपल, बरगद, नीम, गूलर, आंवला, ये जो प्रमुख पेड़ हैं, कहीं ना कहीं अपने शहर में, गांव में, कस्बे में जरूर लगा। प्रभु खुश होंगे। चले, बहुत काम करना है, खूब मेहनत करनी है। चलो तो फिर जल्दी से करो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।